कोई भी खबर छोटी या बड़ी नहीं होती, उसे प्रशासन तक सही तरीके से रखना आना चाहिए, उनके निर्देशन में लाना चाहिए। जी हाँ, हम बात कर रहे भाईंदर पश्चिम के शमशान भूमि की। आज 19 अगस्त शनिवार को हमने खबर चलाई थी भाईंदर पश्चिम के शमशान भूमि में, जो दहन सिगड़ी है वो कहीं ना कहीं बंद थी इलेक्ट्रिक, जिसके कारण शव जलाने के लिए काफ़ी परेशानी हो रही थी। प्रशासन ने इस खबर को देखा और कहीं ना कहीं उस पर एक्शन लिया और वो सिगड़ी फिर से शुरू कर दी गई है। इस खबर के माध्यम से हम प्रशासन का आभार व्यक्त करते, साथ ही साथ पूर्व नगर सेवक ओम प्रकाश अग्रवाल ने जो आवाज़ उठाई थी इस सिगड़ी के बारे में, उन्होंने भी प्रशासन का आभार व्यक्त किया। आइए जानते हैं किस तरह से ओम प्रकाश अग्रवाल ने आभार व्यक्त किया प्रशासन का। एक कहावत है ना, बिना रोए बच्चे को माँ भी दूध नहीं देती है। ये हालत जिला भाईंदर के प्रशासन की है। आज जब मुझे मालूम पड़ा कि वहाँ पर जो विद्युत सिगड़ी बंद है, तो मैं वहाँ पर गया और आप YSR चैनल के माध्यम से ये बात हमने जब प्रशासन को दिखाने का कोशिश किया, मुझे भी अचंभा हुआ। मैंने अभी देखा वहाँ के जो कर्मचारी ने मुझे वीडियो भेजा, 6 घंटे के अंदर में वो सिगड़ी जो विद्युत है जिसपे मृत्यु को दहन किया जाता है बॉडी को, वो चालू हो गई। इतने में आप समझ सकते हो कि कितना प्रशासन लापरवाह है। तो यहाँ की जो मीडिया है, आप जैसे जागरूक जो चैनल चलाते हैं, उनसे विनती है कि प्रशासन को सुधारने के लिए जो चौथा स्तंभ है, पत्रकार हो या मीडिया हो, उसको भाईंदर के लिए जागरूकता से काम करना पड़ेगा। और उसका ही नतीजा आज है कि ये जो 3-4 महीने से जो बंद पड़ी थी, जो खाली एक शायद फ्यूज लगाने का था, वो फ्यूज लग गया और आज ये सिगड़ी चालू हो गई। प्रशासन का भी धन्यवाद देता हूँ और YSR न्यूज़ का भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। और विशेष एक बात बोलूँगा मैं, खास करके YSR के जो हमारे पत्रकार हैं अजीम भाई, ऐसे विषयों को मैं जानबूझकर उनको बुलाता हूँ, निष्पक्ष होकर वो जब वो चीज़ को डालते हैं तो मुझे मालूम है 100% रिजल्ट आता है, और वो रिजल्ट आया आज।